औरत अपनी इज्जत की खुद मुहाफिज होती है। अगर औरत मर्द को मौका ना दे तो मर्द कभी उसकी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। मोहब्बत कितनी खौफनाक चीज होती है। तुम एक अजनबी को अपना मालिक बनाकर तमाम तर ताकत उसके हाथ में दे देते हो। दुख देने की, खुशी देने की, उदास करने की ताकत। इस दुनिया में जीने के लिए सख्त वक्तों से गुजरना पड़ता है। यकीन करें, अगर जिंदगी ने आपसे इम्तहान नहीं लिए हैं तो आपने जिंदगी असल में जी ही नहीं। वक्त जितना आजमाइश भरा होता है, इख्तिताम उतना ही खूबसूरत होता है। बस सब्र का दामन थामे रखें। एक गलत इंसान से मोहब्बत का तल्ख तजर्बा आपकी जिंदगी की सारी मिठास खत्म कर देता है। ऐसी अज़ियतें कभी नहीं भुलाई जा सकती जो मोहब्बत के नाम पर दी गई हों। पता है मर्द कब रोता है? जब वो सबकी जरूरियात पूरी कर दे, सबकी ख्वाहिशें पूरी करे और अपने लिए मनचाहा शख्स ना पा सके, अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। लेकिन पाने वालों को खो देने का दुख कहाँ समझ आता है, यानी मर्द का। मोहब्बत से खाली दिल उस गार की मानित है जिसमें जानवर भी दाखिल होने से डरते हैं। मर्द थे ना तुम, इसलिए चंद दिनों में ही मुझ पे दिल हार बैठे और फिर चंद अरसे में ही दिल भर भी गया। और मैं ठहरी औरत जात, दिल हारी भी कुछ ताखीर से, मगर पूरा हारी और ऐसा हारी कि कभी कोई और दिल को ना जीतेगा तेरे सिवा। इज्जत नफ्स जिससे जख्मी हो, धूप बेहतर है ऐसी छांव से। एक बात तो हकीकत है, इस बेहिस और लालची मौशरे में गरीब इंसान इज्जत मोहब्बत दोनों से महरूम रहता है। अगर औरत चाहती है कि मर्द उसे हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करे तो औरत को चाहिए कि खुश खुश रहा करे। क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लगता उस वक्त से जब दुनिया से तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाएंगी और जब तुम आंखें खोलोगे तो खुद को कब्र में पाओगे?